साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असायुटी जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बबुल असायुटी जाना साटी लंबी उडारी वे पता नहीं किड़े देश जा। एक बार अपनी बेटियों के लिए हाथ उठाना, अपनी बहनों के लिए हाथ उठाना। अभी भाई दूज निकल कर गया है, राखी निकल कर गई है। साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल। अच्छा, अभी नवरात्रे आए थे ना, सच बताना पानीपत वालों, सब लोग लाइव देख रहे हैं आपको, कंजक पूजन कौन कौन करता है अष्टमी के दिन? वाह जी वाह, कंजक पूजन करते हैं। जिस बेटी को आप लोगों के घरों से बुलाकर लाते हो, भाई साहब बेटी भेज देना, मैंने कंजक पूजनी है। माथा टेकते हो, भोग लगाते हो, चरण पूजते हो, भोजन करते हो, नमन करते हो, उपहार देते हो, वही बेटी जब अपनी मर्जी से आना चाहती है तब लोग आने क्यों नहीं देते? हाँ, एक बेटी कोख में से अपनी मां को आवाज लगा रही है, मां तू मुझे मारना चाहती है, तू मुझे मारना चाहती है। अरे यही गलती अगर आज मेरे नाना ने करी होती तो तू भी आज यहां जिंदा नहीं होती। सुन, एक बेटी कह रही अपनी मां से, ना मारी ना मां कोक विच ना मारी, ना मारी ना मां कोक विच ना मारी, मैं भी तेरे जैसी हूं, मैं भी तेरे जैसी हूं, कोक विच ना मारी, ना मारी ना मां कोक विच ना मारी, ना मारी ना मां कोक विच ना मारी। सुन, चल तू मुझे मार देगी, कल को तेरा बेटा हो जाएगा, लेकिन जब वो बेटा बड़ा होगा, एक बात बता, सारी माएं अपनी बच्चियों को मारने लग गई, मेरे जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाएगी, मेरे जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाएगी, राखी बांधन को भैया को, बोले कलाई सुनी रखेगी उसकी, राखी बांधन को भैया को बहन कहाँ से लाएगी, राखी बांधन को भैया को बहन कहाँ से लाएगी। नवरात्रों में कंजक पूजन कौन समूह ले जाएगी, नवरात्रों में कंजक पूजन कौन समूह ले जाएगी। अरे पंजाब में मान साहब ने एक लाइन गाई है लड़कियों के लिए, मैं जब भी बेटियों का भजन गाता हूँ मुझे वो याद आ जाती है, कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू इन्ना प्यार दिया, कुड़िए किस्मत पुड़िए तैनू इन्ना प्यार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दिया। अरे ये तो दो दो कुलों को तारती है, जिस घर जन्म लेती है और जिस घर जाती है। हाँ, किण कर दी अखा तेनु की सत्कार दिया, किण कर दी अखा तेनु की सत्कार दिया, अपने हिस्से दी दुनिया में तेथोवा। भैया भजन अच्छा लग रहा है, पहले बताइए मुझे। मुझे 12-13 साल हो गए ना कीर्तन करते हैं, मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं आई, कहते कुड़िया चिड़िया हुंदिया ने पर कर नहीं हुंदे, पर नहीं हुंदे कुड़िया दे, कुड़िया चिड़िया हुंदिया ने पर नहीं हुंदे, सोरे हुंदे ने पेके हुंदे ने कर नहीं हुंदे, सोरे हुंदे ने पेके हुंदे ने कर नहीं हुंदे, कुड़िया कहंदे ने पराए करो आईया ने, पेके कहंदे ने तियां जमदियां पर आईया ने, तू ही दस दे रब्बा तू ये तियां केड़े कर ली बनाईया ने केड़े जड़े। अच्छा बताइए, एक बेटी का प्यार ज्यादा किससे है, मम्मी से के पापा से? बताओ, अच्छा बताओ ये भजन किस किस ने सुना है, मेरा किस किस ने सुना है? हो जय हो जय हो। एक करोड़ से ज्यादा लोग
इस भजन में। ऑस्ट्रेलिया भी गया ना, श्याम बाबा के कीर्तन में बुलाया था उन्होंने, लेकिन बाबा का भजन एक ही दो सुने। साथी कहते भैया वो बेटियों वाला भजन सुनना है, बोल सच्चे दरबार की। जब जाने लगती है तो सबसे पहले बाप से मिलती है, क्योंकि पापा की लाडली है। आपको जीवन में सब कुछ पता चलेगा, बेटी कब बड़ी हो जाएगी। एक दिन वो आएगा जब आपके पास आकर बोलेगी, पापा पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। और अपने पापा से मिली जाते जाते, और पता है क्या बोली, ये भजन मैंने लिखा था जब मेरी दीदी की शादी हुई थी 7 साल पहले, तब ये लिखा था, गाया पिछले साल से मैंने, और वो वायरल हो गया तो अब सब दुनिया सुनती है। सुनो, अपने पापा से कह रही है, पापा ए पापा, मेरी गुड़िया मेरे पटोले रह जाने ने तेरे कोले, रह जाने ने तेरे कोले रह जाने। अरे कदे ता बाबूला याद करेगा, कदे ता बाबूला याद करेगा, तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो बोले, तोतले सी मैं बोल जो बोले। और पता है क्या कह रही है, मैं जा रही हूँ साथी एनी यारी में, साथी एनी यारी पता नहीं केड़े देश जाना, साडा जीड़िया दा चंबा वे बाबुले सातुर जाना। समय हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपको, फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने पापा के लिए लिखा, फिर लिखा मम्मी के लिए। पापा से मिलने के बाद वो मम्मी से मिली, मम्मी जानबूझकर हंस रही है कि अगर मैं रो गई तो ये भी रो पड़ेगी, लेकिन बेटी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, पता है अपनी माँ से क्या कह रही है। बोले माँ, माँ मेरी नो दई दिलासा, झूठा मुठा हंस दी हासा, झूठा मुठा ऐ झूठा मुठा हंस दी हासा, इस कमली नू की पता सी, इस कमली नू की पता सी, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं वट के पासा, तुर जाना मैं वट के पासा। और पता है क्या बोली जाते हुए, बोले तू पढ़ने चला जाता है, पिताजी काम पर चले जाते हैं, मुझे इतनी दूर बिहा दिया और पीछे घर में अकेली कौन रह गई, कल्ली रह गई विचारी में, ओ कल्ली रह गई विचारी में, पता नहीं मुड़ी कदे आना, साडा चिड़िया दा चंबा बाबू ने याद दूर जाना। भजन की आखिरी बात सुना रहा हूं, मैंने पिता के लिए लिखा, मैंने माँ के लिए लिखा। अच्छा बताइए कौन सा रिश्ता है और जो खास रह गया, बताओ। अब मैं भाई पे तो हूं ना उस बहन का, जब वो बाप बाप से मिली, माँ से मिली। आज नरेंद्र चंचल जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है, पता है कौन सी, हो वीरा दूर खड़ा रोवे, वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप कराया नी, हो वीरा दूर खड़ा रोवे, किसे ने चुप कराया नी, कहा रो डोली ना चायो, अजे मेरा बाबुल आया नी, स्वागत है जी, स्वागत है, आइए बैठिए, बस 5 मिनट और उसके बाद चलो भैया, चलो मैं बताऊंगा जब खत्म करना है, बिठाइए भैया, अंजलि जी आ गई हैं, 5 मिनट में खत्म करके फिर आगे का कीर्तन वो सुनाएंगे आपको। आखिरी लाइन लिखी भाई के लिए, भैया प्लीज आप हिलजुल मत करिए मेरे को, प्लीज अगर भजन अच्छा लग रहा है तो एक बार मीठी मीठी तालियां बजाइएगा।
भजन की आखिरी बात सुना रहा हूं। मां के लिए लिख दिया, बाप के लिए लिख दिया, जब वो जाने लगी ना, एक भाई बहन कैसे होते हैं, हाँ, लड़ने झगड़ने वाले, सारी उम्र लड़ते रहते, लेकिन जब शादी का वक्त आता है तो सबसे ज्यादा कोने पे खड़ा होकर वही आंसू बहा रहा होता, हाँ, दौड़ कर गई अपने भाई के पास और पता है क्या बोली, हे भैया 20 साल दा झगड़ा वीरा, 20 साल दा झगड़ा वीरा, चल हुण अज मुका लै वे, 20 साल दा झगड़ा वीरा, चल हुण अज, अरे मैं ही माफी मंग लैनी आ, मैं ही माफी मंग लैनी आ, बस एक बार गल नाल ला लै वे, मैं ही माफी मंग लैनी, बस एक बार गल, क्यों वीरा नाल सरदारी वे, वीरा नाल सरदारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, सादा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असायुडी जाना, सादा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल सायुटी जाना।